नहीं नहीं चाचा जी, चाचा जी आप उन्हें मारेगा मत, उन्हें मारेगा मत चाचा जी। क्यों ना मारूं उसे, क्यों ना मारूं उसे, जिसने तुझे जीते जी मार दिया उसे छोड़ दूं मैं? चाचा जी, चाचा जी जिसे मैंने अपने दिल से मार दिया हो उसे फिर क्या मारना चाचा जी। तुम ठीक कह रही हो बेटी, किसी की जान लेने से अच्छा है उसे जान जाओ, और हम सब लोग पंचम को अच्छी तरह से जान गए हैं। बेटी भले ही तुम्हारे हाथों में पंचम के नाम की मेहंदी का लाल रंग ना हो, इसका मतलब यह तो नहीं कि हम उसके खून से अपने हाथ लाल कर लें। मामा जी बस जीत, बस इस किस्म की घटिया खुराफात अपने दिमाग में मत आने देना। मैं जानता हूं कि तुम्हें राधिका की और मेरी मान मर्यादा की बहुत फिक्र है, और मैं ये भी जानता हूं कि पंचम ने हम सब लोगों का दिल बहुत दुखाया है। इसीलिए तो कह रहा था मामा जी कि मैं उसे जीते जी तड़पते हुए देखना चाहता हूं, और वो ही नहीं उसकी वजह से उसका परिवार भी तड़पेगा, छटपटाएगा। और मुझे सोचना है किसके लिए क्या करना होगा। हेलो मिस्टर अशोक और मिस्टर पंचम आपसे मिलने आए हैं, क्या मैं उन्हें ऊपर भेज दूं? नहीं मैं नीचे आता हूं। मामा जी मैं जरा रिसेप्शन तक जाकर आता हूं, कल का रेस्टोरेंट का बिल पे करना है। आप लोग यहाँ क्या लेने आए हैं? मैं मीरा की माँ हूँ रुक्मिणी, और यह है मीरा के पिता मिस्टर अवस्थी। हम आपसे कुछ लेने नहीं आए हैं, बल्कि आप लोगों को सच्चाई बताने आए हैं, और उसे साबित करने के लिए हम अपने साथ सबूत भी लाए हैं जी। ये रही मीरा की मेडिकल रिपोर्ट, मीरा को कैंसर है। अच्छा, पहले तो डॉक्टर साहब आप कह रहे थे कि मीरा को कैंसर नहीं है। इन्होंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि मैंने इनसे कहा था ऐसा कहने के लिए। ये सच कह रही है, उस वक्त मैंने आपसे झूठ कहा था, लेकिन सच तो यही है कि मीरा को कैंसर है। डॉक्टर साहब अब मैं आप पे कैसे विश्वास कर लूं कि आप सच कह रहे हैं? चाचा जी आप ये फाइल चेक कर सकते हैं। ओए रखो ये फाइल अपने पास, मुझे इन फाइलों का कोई भरोसा नहीं है, ऐसी फाइलें 10-10 रुपए देके बनाई जाती हैं। पर हम अपनी बेटी की ऐसी खौफनाक बीमारी की फाइल बनाकर उसे बद्दुआ क्यों देंगे? मुझे क्या पता, हो सकता है आप अपनी बेटी को पल भर की बद्दुआ देकर पंचम के साथ उसका रिश्ता करवा दें और फिर सारी जिंदगी के आशीर्वाद दे दें। चाचा जी ओए पंचम सुर नीचे कर अपना, हाँ चिल्लाने की जरूरत नहीं है, जा यहां से। ठीक है जीते, हम लोग यहां से चले जाते हैं, लेकिन जाने से पहले हम एक बार प्रधान जी से मिलना चाहते हैं। देखो भाई साहब, मामा जी आपसे नहीं मिलना चाहते, इसीलिए उन्होंने मुझे नीचे भेजा है। मैं आपके सामने हाथ जोड़ के कहता हूं अब चले जाइए प्लीज। हमें माफ कर दीजिएगा अशोक जी, हमारी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई और हमारी वजह से आप लोगों को बहुत जिल्लत उठानी पड़ी। नहीं रुक्मिणी जी, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, दोष तो सिर्फ हमारी किस्मत का है। आपने बिल्कुल सही कहा डैड, जब जब जो जो होना है तब तब सो सो होता है। अगर मीरा की जिंदगी की सच्चाई किसी को झूठ लगती है तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है, अगर दोष है तो उस भगवान का जिसने हमारी मीरा को। हेलो हेलो रुको आंटी, आंटी क्या आपके साथ वहाँ पे डॉक्टर है? हाँ क्यों रिया? आंटी मीरा की तबीयत यहाँ बहुत खराब हो गई, आप प्लीज जल्द से जल्द डॉक्टर को लेके यहाँ पे पहुँच जाइए। हम लोग अभी आते हैं रिया, मीरा को अटैक है। चलिए प्लीज लेट्स गो। चलिए डैड आप जल्द से जल्द वहाँ पे दादाजी को लेकर आइए ताकि वो अपनी आंखों से मीरा की हालत देख सके। ठीक है आप लोग जाइए, मैं कैसे भी करके प्रधान जी को लेकर आता हूँ। जाइए। बेटी ये क्या हाल बना रखा है तुमने, तुम क्या समझती हो मैं पंचम को कुछ होने दूंगा? हरगिज नहीं,
मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे मालूम है दादाजी, आप उन्हें कुछ नहीं होने देंगे, पर मैं क्या करूं दादाजी, कैसे अपने दिल को समझाऊं? दादाजी मैं ये सोच सोच के रो रही हूँ कि पंचम ने हमसे झूठ कैसे कहा, क्यों कहा दादाजी? किसी और का साथ चाहिए था उन्हें, तो फिर उन्होंने हमसे साथ निभाने का वादा क्यों किया दादाजी, क्यों किया? देखो बेटी, जो कुछ भी होता है वो भले के लिए होता है, और आगे जो कुछ भी होगा वो भी भले के लिए होगा। तुम मुझ पर भरोसा रखो, भरोसा रखो मुझ पर। तुम प्रधान जी, वो मैं आप तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मीरा, मीरा धीरज रखो, आंटी आती होंगी डॉक्टर को लेकर। मीरा बस थोड़ी देर और। ओह गॉड, मीरा मीरा बस थोड़ी देर और, आंटी आती होंगी। मीरा सब ठीक हो जाएगा। मीरा सब ठीक हो जाएगा, बस 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 धीरज रखो मीरा। मीरा मीरा सब ठीक हो जाएगा, बस आंटी डॉक्टर को लेकर आती होंगी। मीरा थोड़ी देर और, मीरा थोड़ी देर धीरज रखो। मीरा डॉक्टर प्लीज, और जरा साइड दीजिए प्लीज। हे भगवान, मीरा को कुछ मत होने देना, इसका सारा दर्द मुझे दे दो भगवान, मुझे दे दो। मीरा लगता है इसे इंजेक्शन देना पड़ेगा। डॉक्टर एक मिनट इधर आइए। मीरा बेटा, आप मीरा को इंजेक्शन नहीं देंगे। रुको, ये क्या कह रही हो तू? ये क्या कह रही है आप? क्या आप नहीं जानते कि मीरा को इसी वक्त इंजेक्शन नहीं दिया गया तो उसे कुछ भी हो सकता है? मैं जानती हूँ डॉक्टर, लेकिन अगर आपने मीरा को इंजेक्शन दिया तो उसकी कंडीशन नॉर्मल हो जाएगी, और जो सच्चाई हम प्रधान जी को दिखाना चाहते हैं वो नहीं दिखा पाएंगे। पागल हो गई हो तुम? मीरा की जान पर बनी है और तुम्हें किसी के अंत का इंतजार है? और इस बात की क्या गारंटी है वो यहाँ आएंगे? वो आएंगे, अशोक जी उन्हें लेने गए हैं, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। मुझे तुम्हारी इज्जत का कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा है। डॉक्टर प्लीज। मिस्टर अवस्थी, मैं मीरा की माँ हूँ, अपनी बच्ची को इस हालत में देखकर मेरे दिल पे क्या बीत रही है इसका अंदाजा भी नहीं होगा आपको। लेकिन जरा पंचम के बारे में सोचिए, क्या कुछ नहीं किया उस लड़के ने हमारे लिए? आज एक गलतफहमी की वजह से उसकी जिंदगी में इतना बड़ा भूचाल आ गया है, क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम उसके लिए कुछ करें? प्रधान जी, ये वक्त बहस करने का नहीं है। देखिए, डॉक्टर ने झूठ क्यों बोला वो मैं आपको बाद में बता सकता हूँ, लेकिन सच्चाई मैं आपको अभी कभी दिखा सकता हूँ। आप प्लीज मेरे साथ चलिए। मुझे कहीं नहीं जाना है। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ प्रधान जी, प्लीज आप मेरे साथ चलिए और खुद अपनी आंखों से चलकर मीरा की हालत देख लीजिए प्लीज। मीरा बेटा, वो मीरा, वो देखिए प्रधान जी, देखिए उसकी हालत। क्या अभी आपको लगता है कि मैं आपके साथ झूठ बोल रहा था, कोई धोखा कर रहा था आपके साथ? देखिए इस लड़की की हालत को। रुक्मणी जी, आप इन्हें जो दिखाना चाहते थे वो तो उन्होंने देख लिया, अब प्लीज मुझे मेरा काम करने दीजिए। मीरा को अभी का अभी इंजेक्शन नहीं दिया गया तो उसकी तकलीफ बढ़ सकती है। डॉक्टर प्लीज गो अहेड प्लीज। आप हाथ पकड़ेंगे मामा, 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 मामा,
आपने अभी अभी जो देखा प्रधान जी, वो एक ऐसा कड़वा सच है जिसका घूंट हम सबको न चाहते हुए भी हर पल पीना पड़ता है। दादाजी, मीरा की हालत देखना और जानना आपके लिए सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं था कि मेरा और राधिका का रिश्ता बचाया जा सके, बल्कि इसलिए भी जरूरी था कि हालात कैसे भी हों, पर मीरा की खुशी से ज्यादा बढ़कर कोई चीज नहीं हो सकती है। पंचम सच कह रहा प्रधान जी, और यही इंसानियत का तकाजा भी है। प्रधान जी, पंचम जो भी कर रहा है सिर्फ मीरा की भलाई के लिए कर रहा है, इसके अलावा इन दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। एक समय था जब सब लोग चाहते थे कि मीरा और पंचम की शादी हो जाए सिवाय मेरे। मैंने हमेशा पंचम को गलत समझा। मुझे इस बात का एहसास तब हुआ जब मीरा को ये बीमारी हुई, तब मेरी समझ में आया कि पंचम तो देवता है। और पंचम जैसा देवता लड़का नसीब वालों को मिलता है। अंकल आंटी, मुझे देवता का दर्जा मत दीजिए। अगर मैं देवता होता तो मीरा को मौत के मुंह से बचा लेता। ऐसा मत कहो बेटा, मीरा को खुद भगवान भी नहीं बचा सकता, तो हम और तुम क्या है। प्रधान जी, पंचम को ठुकरा के जो गलती मैंने की है, प्लीज वो गलती आप मत कीजिए। पंचम, तुम हमें होटल तक छोड़ सकते हो? ये मामा जी और राधिका का भी कुछ समझ में नहीं आता, पता नहीं कहां चले गए, क्या करूं। मामा जी, आप इसके ओए, तू तो पीछा नहीं छोड़ता है, अब कौन सा नया कुल किराने वाला है। मामा जी, ये चुप रहो जी, पंचम को उल्टा सीधा बोलने की कोई जरूरत नहीं। मामा जी देखिए हमारे रिश्ते का क्या अंजाम होता है, ये तो दादाजी के फैसले पर ही निर्भर करता है। पर आपने आज और अभी अभी जो हमें दिखाया है, उसे देखने के बाद हम आपसे आंखें नहीं मिला सकते। हमने जो व्यवहार आपके और मीरा के प्रति किया है, उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा है। और हो सके तो हमें माफ कर देना। पश्चाताप तो हर पाप को धो देता है, और तुमने तो सिर्फ एक गलती की है, और वो भी गलत फहमी में आकर। एनीवेज दादाजी, मैं चलता हूं। खुश रहो। आओ बेटी। ऐसा पंचम ने इन लोगों को क्या दिखा दिया है कि इनके राग ही बदल गए हैं। पता कर जीते, पता कर। मामा जी, आप इतने पोले हो सकते हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वो जो मीरा को देखने के बाद आप इतने इमोशनल हो रहे हो, वो सब मीरा का नाटक है, एक्टिंग कर रही है वो। बस जीत बस, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं। मैं जो देख कर आ रहा हूं ना, वो कोई नाटक या तमाशा नहीं था, बल्कि हकीकत थी। वो लड़की बेचारी दर्द में इस कदर तड़प रही थी कि मैं। हेलो सर, आपके लिए फोन है। हाँ हाँ दीजिए। गुड इवनिंग प्रधान साहब, लगता है आप एक बार फिर इन लोगों के झांसे में आ गए। इन लोगों ने आपको यकीन करने पे मजबूर कर ही दिया कि मीरा को कैंसर है, लेकिन आप पंचम को नहीं जानते।
पंचम वो चीज है जो अच्छे भले आंख वालों को अंधा बना दे और उन्हें पता भी ना चले। लेकिन आप कौन हैं? कहना क्या चाहते हैं आप? मैं वही हूं आपका वेल विशर, जिसने पहले भी आपको राह दिखाई और अब भी दिखाएगा। हमारे साथ फिर एक बार धोखा। अब किस धोखे की बात कर रहे हैं आप? शायद तुम्हें सुनने में शर्म ना आए, लेकिन मैं इतना बेशर्म नहीं हूं कि तुम्हारे कुकर्मों की दास्तान अपने मुंह से बयान करूं। सुनने में क्या शर्म आएगी मामा जी, जब करने में शर्म नहीं आई। जबान संभाल कर बात कर जीते, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। भाई इसे कहते हैं चोरी ऊपर से सीना जोरी। अशोक, तुम्हें तुम्हारी सीना जोरी की भारी कीमत चुकानी होगी, और वो कीमत यह है कि मैं अपना हर रिश्ता तुम्हारे साथ आज और इसी वक्त यही खत्म करता हूं। और तुम्हारे आवारा और बदचलन पंचम ने मेरी बेटी के साथ जो खिलवाड़ किया है, उसकी कीमत वसूलने के लिए मैं फिर कभी यहां आऊंगा। बस कीजिए प्रधान जी, हम आपकी इज्जत करते हैं इसलिए चुप है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके मन में जो अनाप शनाप आए आप हमारे पंचम के बारे में कहें। अब किस बुनियाद पर हमारे बच्चे पर आवारा और बचलन होने का इल्जाम लगा रहे? प्रधान जी अपने मुंह से नहीं बोल पाएंगे।